नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनविरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के हिंदी विषय का क्षितिज के काव्य खंड का तीसरा अध्याय का पाठ संख्या 2। पहले पाठ में हम कवि परिचय और तीन पद की व्याख्या कर चुके हैं। पार्ट 2 है ये, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे चौथे पद की व्याख्या और इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और आप इसका लाभ उठा सके, और दूसरों को भी आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए, आज हम पढ़ते हैं इसी कड़ी में कवि सेनापति द्वारा लिखे हुए चार पद। ऋतु वर्णन से लिया गया है। ऋतु वर्णन में आज हम जो पढ़ेंगे, इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, वो है शीत ऋतु का वर्णन, यानी सर्दी की ऋतु में। शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु में ठंड को किस तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ इन्होंने रूपक अलंकार के सहयोग से, रूपक अलंकार के प्रयोग से इन्होंने शीत ऋतु को किसके रूप में, एक आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। किस प्रकार आक्रमणकारी हमला करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो ये शीत ऋतु को भी इन्होंने कैसे प्रस्तुत किया है, एक आक्रमणकर्ता के रूप में। तो पहले हम इसका प्रसंग जान लेते हैं। इसका प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पद्य में या प्रस्तुत छंद में कवि ने प्रस्तुत छंद में कवि ने शीत ऋतु को या शीत ऋतु की भयंकर या कड़कड़ाती ठंड को आक्रमणकारी के रूप में, प्रस्तुत किया है। आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी जब ठंड पड़ती है तब वो किस तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, और सर्दी के लिए सारे सर्दी भगाने के जो भी सारे उपाय किए जा रहे हैं, उन सभी उपायों को किस तरीके से वो कैसा कर देती है, उनको हीन कर देती है, उनको प्रभावहीन बना देती है। तो आइए देखते हैं कि शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, यानी कवि सेनापति, कवि सेनापति कहते हैं कि शीत को प्रबल, यानी शीत ऋतु की, यहां शीत ऋतु को प्रबल, प्रबल यानी बल सहित शीत ऋतु की बल सहित, यहाँ दल आया है, सेना ने को अपि यानी क्रोध सहित। आक्रमण कोई करता है तो क्रोध सहित करता है, क्रोध सहित चढ़ियो यानी आक्रमण कर दिया है। दिसंबर और जनवरी की सर्दी को आक्रमणकारी सर्दी माना जाता है। आक्रमण कर दिया है यानी शीतु शीत को प्रबल को अपि चढ़ियो दल, यानी शीत ऋतु की सेना ने बल सहित क्रोध सहित आक्रमण कर दिया है। ठीक है, फिर निबल अनल, और इस बल के आगे तो निबल यानी निर्बल हो गई है। क्या हो गई है? निर्बल होना या प्रभावहीन होना। कौन हो गया प्रभावहीन, यानी सर्दी अपन किससे दूर भगाते हैं? अनल यानी अग्नि, इसके सामने तो अग्नि भी शक्तिहीन हो गई है,
और गयो सूरी, सूरी है यहाँ पे सूर्य, और सूर्य कहाँ चला गया है, सूर्य सियराय के, सियराय यानी ठंडा हो जाना, और सूर्य भी कैसा हो गया है, ऐसा लगता है कि ठंडा हो गया, यानी दोपहर में भी बहुत अधिक ठंड लगती है दिसंबर में, तो उसका वर्णन किया यहाँ पे कि हिम के समीर, यानी इन दोनों का प्रभाव तो ऐसा हो गया है कि शीत से रक्षा ही नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से हिम के समीर यानी बर्फ जैसी ठंडी हवा, बर्फ जैसी समीर यानी ठंडी हवा, बर्फ जैसी ठंडी हवा, तेई बरसे विषम तीर, और ये बर्फ जैसी जो ठंडी हवा है ना, तो ठंडी पवन ही क्या है इस सेना के द्वारा, तेई तेई यानी उनके द्वारा, तेई ये जो बर्फ जैसी ठंडी हवा ना, ये शीत की सेना के द्वारा बरसे यानी बरसाए जा रहे मारे जा रहे क्या है, विषम तीर ही है, यानी जो बर्फ की जो ठंडी हवा हमें आ रही है छू रही है, तो ये शीत की सेना के द्वारा क्या बरसाए जा रहे हैं, बाण बरसाए जा रहे हैं, तीर बरसाए जा रहे हैं। रहिए गरम बोन कोनन में जाई के, रहिए यानी कौन जा रही है, गरम यानी गर्मी, जो तपन है ना गर्मी, वो शीत के डर से कहाँ, बोन बोन यानी भवन में या घर में, कोनन कोने में जाई के, रही है यानी छिप गई है, यानी इस शीत के डर से गर्मी कहाँ चली गई है, घरों के या भवन के कोने में जाकर, ऐसा लगता है वो वहां जाकर छिप गई है। फिर धूम नैनन बहे, और आग तापने वाले, अलाव तापने वाले यानी आगी पर घिरे रहे हैं, यानी आग तापने वाले, अलाव तापते हैं ना सर्दी भगाने के लिए, जगह जगह अलाव तापने वाले, जो अलाव तापने के लिए लोग बैठे हैं ना, उस अलाव तपने से क्या हो रहा है, उनकी आंखों से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं सॉरी, आग तापने वाले लोगों की आंखों से धुएं के कारण क्या बह रहा है, नैन बहे यानी जल बहना, आंसू निकलना, अलाव तापते तापते, अलाव तापने से जो उनका धुआं निकल रहा है, उस धुएं से उनकी आंखों में से जल बहने लगा है, आंसू बहने लगा है, आगी पर गिरे रहे, और उस ठंड से बचने के लिए लोग उस आग के ऐसे ऊपर हो होके बैठ रहे हैं, उनके ऊपर झुके जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, ये के यानी हृदय में, हृदय में यानी आग के तनिक लगते ही क्या करते हैं कि वो उनके तनिक सुगलते ही, नेक यानी तनिक, जैसे ही आग थोड़ी सी सुलगना यानी लगना, आग का लगना, आग के यानी थोड़ा सा सुलगते ही, तनिक सुलगते ही ये सो लगई, वो लोग उसे क्या करने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अपने हृदय से उसको लगाकर तापने लगते हैं, कि मानो शीत से भयभीत जानकर लोगों ने उसको क्या कर लिया है, कि मानो भीत जाने, भीत किसका, भीत भीत यानी डर, किसका डर है, महाशीत यानी शीत ऋतु के यानी भयंकर सर्दी के डर से, ते पसारी पानी, पानी यानी हाथ, हाथ फैलाकर यानी भयभीत जानकर लोगों ने प्रचंड ठंड से बचाने के लिए हाथ फैलाकर अपने छातियों की, किसमें, छाती सीना, छातियों की छा यानी छा में यानी भीतर,
राखियो पाउक पाउक यानी ऐसा लग रहा उन्होंने उस आग को अपने भीतर हाथ फैला के ऐसे उस आग को अपने भीतर छिपा लिया है ताकि वो गर्म रह सके। एक बार वापस समझा देती हूँ कि शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल यानी शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने क्या कर दिया है, क्रोध सहित आक्रमण कर दिया है। यानी दिसंबर जनवरी की सर्दी चरम स्तर पर पहुंच गई है, या पौष और माह की सर्दी को बहुत भयंकर ठंड माना जाता है। निर्बल अनल और इस भयंकर ठंड के आगे तो अग्नि भी कैसी हो गई है, निर्बल और प्रभावहीन हो गई है। गयो सूरी सिया राय के, और गयो यानी सूर्य भी क्या हो गया, सिया राय यानी ठंडा हो गया है। हिम के समीर और ये जो बर्फ जैसी ठंडी हवा है ये किसके समान लग रही है, तेई बरसे से विषम तीर यानी उस शीत ऋतु की सेना के समान, सेना के द्वारा बरसाए जाने वाले तीरों के समान लग रही है। रही है गर्म भोन और ये गर्मी तो भोन भवन में, भवन के कोनन में, कोने में जाकर छिप गई है। बिचारी गर्मी को भी सर्दी से इतना डर लग रहा है कि वो कोनों में जाकर छिप गई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे यानी अलाव तापने से, क्या कि अलाव तापने से लोगों के उस आग से लोगों की आंखों में धुआं जा रहा है और उस धुएं के कारण उनकी आंखों से जल बह रहा है। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, आगी पर गिरे रहे और उस आग पर ही झुके जा रहे हैं, ठंड से बचने के लिए उसके ऊपर झुके जा रहे हैं। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगई के यानी हिये सो लगाई यानी हृदय से जल्दी से लगा लेते हैं, कब जब तनिक सुल नेक सुल गई, तनिक सी आग लगते ही वो उसके आसपास तापने लगते हैं। मानो भीत या कल्पना की गई उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो उत्प्रेक्षा सूचक शब्द भी है और इसमें किसमें सर्दी के भय में, इसमें यानी सर्दी के डर से लोगों ने हाथ फैलाकर ऐसा लग रहा है कि आग को भीतर छिपा लिया है तो कल्पना की गई है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। जानी महाशीत ते पसारी यानी भयंकर सर्दी के डर को जानकर यानी इस शीत के शीत यानी सर्दी के डर को जानकर उन्होंने क्या कर दिया है, अपने हाथों को फैला कर ऐसा लग रहा है कि प्रचंड हाथों को फैलाकर छतिया की छा राह की पाउक आग छिपाई के यानी उन्होंने अपने सीने के भीतर इस आग को क्या कर लिया है, छिपा लिया है। अब आइए इसका देखते हैं विशेष। विशेष में सबसे पहला बिंदु कौन सा जाता है कि साहित्यक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है यानी छंद की भाषा कैसी है, साहित्यक ब्रिज भाषा का प्रयोग है। शैली कैसी है, चित्रात्मक यानी अलाव तापते लोगों का सामने, अपने सामने जीवंत आ रहा है, उनके चित्र हमारे सामने आंखों के सामने हो रहा है तो चित्रात्मक या जीवंत शैली का प्रयोग। शब्द चयन कैसे है, शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली, सटीक और प्रभावशाली। और शीत ऋतु को किस रूप में, आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। और यहाँ और दूसरा कोई रस नहीं है, यहाँ आएगा यानी सर्दी का भय दिखाया जा रहा है तो जब डराने वाला हो तो भयानक रस की अभिव्यंजना की गई है। अनुप्रास अलंकार है, अलंकार यहाँ पे आए हुए हैं, एक तो अनुप्रास है वो तो सहज रूप में आ ही जाता है और दूसरा रूपक अलंकार का प्रयोग भी है। किसमें, इस शीत ऋतु को आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत किया है तो रूपक अलंकार। और इसके अलावा मानो भीत जानी, इसके अंदर कौन सा है, रूपक सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आ गया यहाँ तक समझ में आपको, जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर करते हैं हम। प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी विकल्प के रूप में, और इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में भी
आपको वस्तुनिष्ठ या छोटे प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आपके लिए मैं पीडीएफ लिंक में मैं छोटे छोटे प्रश्न भी तैयार करके पीडीएफ के रूप में लिंक आपको दे दिया जाएगा। वहां से आप उन प्रश्नों को जान सकते हो कि किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड परीक्षा में। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि कवि ने किस ऋतु को ऋतु राज कहा है। ऋतुओं का राजा कौन सी मानी जाती है? वसंत ऋतु। कौन सी मानी जाती है? वसंत ऋतु। सुर चाप का अर्थ है, सुर का मतलब होता है इंद्र और चाप यानी धनुष, तो कौन सा है इसका अर्थ? इंद्रधनुष। ठीक है, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, इसी तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो इसका उत्तर दिया जाता है आपके एक पंक्ति में दिया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा इसकी उत्तर जो शब्द की सीमा होती है, शब्द सीमा इसकी होती है करीब 10 शब्द। ठीक है, शब्द सीमा इसकी कितनी होती है? 10 शब्द। तो कविता में बंदी जन किसे कहा गया है? तो कविता में बंदी जन, आपको उत्तर इसी तरीके से लिखना है, कविता में बंदी जन किसे की जगह क्या आ जाएगा? कोयल को कहा गया है। कोयल का जो गान गाना कूकना है वो बंदी जनों के समान है। प्रश्न चौथा देखिए, प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेमी प्रेयसी को कहा था? कौन सी ऋतु में आने के लिए कहा गया था? तो वर्षा ऋतु के सावन महीने में, वर्षा ऋतु के सावन महीने में किसकी जगह आपको ये लिखना है, वापस फिर पूरा उस तरीके से उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 5 है, ऋतु वर्णन में ऋतु राज किसे कहा गया है? तो ऋतु राज वसंत ऋतु को, वसंत ऋतु को। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, निबल अनल से क्या तात्पर्य है? कि अग्नि का प्रभाव हीन होना, अग्नि का प्रभाव हीन होना ही इसका तात्पर्य है, निर्बल अनन। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, इसकी शब्द सीमा कितनी होती है? 30 से 40 शब्द। इसकी शब्द सीमा कितनी होती है? 30 से 40 शब्द या 3 से 4 पंक्तियों में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 7, चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? तो चतुरंग का क्या अर्थ होता है? सेना के 4 अंग। किसके? सेना के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? चार अंग, जिसमें सबसे पहले आते हैं हाथी सवार, हाथी सवार, दूसरे होते हैं घुड़ सवार, तीसरा होता है रथ सवार, रथ में बैठने वाले, और चौथे होते हैं पैदल सैनिक। ठीक है, तो यहाँ किसका ये वास्तव में तो चतुरंग दल का अर्थ यही होता है कि सेना के 4 अंग, और यहाँ किसके संदर्भ में किया है इन्होंने? फूलों से युक्त ऋतुराज में किसके लिए प्रस्तुत किया है, यानी ये सेना के 4 अंग किसको बताए हैं? फूलों से युक्त वृक्षों वृक्षों को, कैसे? कि रंग बिरंगे फूलों से युक्त, रंग बिरंगे फूलों से युक्त वृक्षों को ही किसकी? वसंत ऋतु की चतुरंगी सेना बताया है। वसंत ऋतु रूपी राजा की सेना बताया है। आगे समझ में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8, सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान
कैसे कर रहा है। सावन का महीना आते ही, सावन के महीने में कौन कौन से दृश्य होते हैं कि काली घटा छाना, काली घटा के छाने से और मंद मंद बारिश की बूंदों से, ये सब कौन कर रहा है? कामदेव भी उसको परेशान करने के लिए, मंद मंद बारिश की बूंदों से, बिनी बिनी जो बारिश की बूंदे हैं वो, और जो सावन में होने वाले परिवर्तन हैं सारे, वो पक्षियों का या मोर का, कोयल का, कलरव, पक्षियों का कलरव, और भिन्नी भिन्नी बयार चलना, यानी मंद मंद हवा चलना, वो बयार या हवा आदि क्या हो रहे हैं? प्रकृति के परिवर्तन आदि, प्रकृति परिवर्तन या वातावरण में परिवर्तन से नायिका के हृदय में, नायिका का हृदय या हृदय में प्रेमी से मिलन की इच्छा, प्रेमी से मिलन की इच्छा उग्र हो गई है, उग्र हो गई है। इस तरीके से वो क्या कर रहा है? उसको परेशान कर रहा है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, क्या कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? तो इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग करके, श्लेष अलंकार के माध्यम से, शेष अलंकार के, श्लेष सॉरी के माध्यम से दो अर्थ लिए गए हैं, माध्यम से क्रमशः दो दो अर्थ हैं। तो पहले में तो अगर हम ग्रीष्म ऋतु आने से धरती और आकाश तप रहे हैं, और गर्म हवा से धरती और आकाश तप रहे हैं, तो बादल भी क्या कर रहे हैं? तप रहे हैं। बादल क्या कर रहे हैं? तप रहे हैं। और इनको छूकर आने वाली हवा भी, हवा से लोग झुलस रहे हैं, झुलस रहे हैं, तपिश से परेशान हो रही है, यानी बादल भी तप रहे हैं। और हवा किसको छूकर आती है? बादलों को छूकर आती है, तो उनसे लोग क्या कर रहे हैं? झुलस रहे हैं। वही ये तो हुआ ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में, तो यही हुआ। वही अगर वर्षा ऋतु के पक्ष में भी यदि देखा जाए, तो बादलों की छा रखते हुए वो क्या कर रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्नों में देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों माना जाता है? सबसे प्रमुख बात इनकी ये आती है कि इन्होंने रीतिकालीन, रीतिकालीन काव्य परंपरा, रीतिकालीन काव्य परंपरा का पालन नहीं करके इन्होंने किसका वर्णन किया था? प्रकृति वर्णन किया, प्रकृति का वर्णन किया, यानी प्रकृति का वर्णन भी इन्होंने किस तरीके से किया है कि उन्होंने प्रकृति को दो दो स्वरूप में, एक तो किस रूप में, दो दो स्वरूप में, जैसे ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन किया हुआ है। तो अब जब रस पढ़े जाते हैं तो उसमें दो दो रूप आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं वो बताऊंगी, जैसे उद्दीपन और आलंबन, ये रस करते हैं ना तब समझ में आता है। उद्दीपन तो यानी ग्रीष्म ऋतु को ही इन्होंने किस रूप में, आलंबन यानी सहारा ले लिया, किसका? उन्हीं शब्दों का सहारा लेकर क्या कर दिया? वर्षा ऋतु को भी प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अनूठा प्रयोग है, ये हिंदी साहित्य जगत में और रीतिकालीन दरबारी परंपरा को का गान नहीं करके कवि सेनापति ने प्रकृति का वर्णन किया, इसलिए इनको, इनका काव्य हिंदी साहित्य में अनूठा माना जाता है। ऐसे तो प्रकृति का वर्णन कई कवियों ने किया है, पर उस समय के कवियों ने इनकी तरह नहीं किया था, इसलिए इनके
इसके इनके वर्णन को श्रेष्ठ माना जाता है और इनकी ऋतुओं इनके ऋतु वर्णन में विविधतापूर्ण चित्रण किया गया है। और वहीं जो दृश्य इन्होंने किया है, जो शब्दों का चयन किया है, इतना सटीक और प्रभावशाली किया है कि इनके वर्णन प्रकृति वर्णन पाठकों के सामने सजीव या जीवंत हो जाते हैं। वहीं जो प्रकृति वर्णन हमने पढ़ा है, यानी श्लेष अलंकार का प्रयोग करके इन्होंने दो 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 ऋतुओं को साथ में प्रस्तुत करना, और वही शीत ऋतु को जैसे नाम के अनुरूप सेनापति हैं तो आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत करना, ये किसी अन्य कवि ने नहीं किया था। तो इस प्रकार इनका काव्य अनूठा माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। तो जो आपको अभी पद्य मैंने समझाया है, व्याख्या समझाई है, आप उनके अनुसार कर सकते हो कि किस प्रकार एक आक्रमणकारी के रूप में शीत ऋतु को प्रस्तुत किया है और उसके सामने अग्नि को भी फीका बता देना, यानी अग्नि की जो तपन है वो भी प्रभावहीन हो गई है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करके तो इसको और भी कैसा बना दिया है, चमत्कार पूर्ण बना दिया है कि किस तरीके से लोग भयभीत तो होकर, यानी ऐसा लग रहा है जैसे आग को अपने हाथों से उन्होंने अपने सीने में छिपा लिया है। वहीं गर्मी भी कहाँ, घर के कोनों में जाकर जा छिपना, इस तरीके से इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है, वो आप पद्य की व्याख्या से आप लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 12 देखिए कि वसंत ऋतु के सौंदर्य पर आपको विस्तृत टिप्पणी देनी है। सौंदर्य यानी काव्य से संबंधित, या जो काव्य से संबंधित क्या, जो वसंत ऋतु में जो आपके आसपास जो वातावरण आपको दिखाई देता है, उस वातावरण का आंखों देखा यानी प्रत्यक्ष वर्णन आपको करना है। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसा आपको दिखाई देता है, उसके अनुसार करना है। यानी पठित आपको जो आपने पढ़ा है, आप उसके अनुसार भी अच्छा सा लिख सकते हो। जैसे यानी जब शीत ऋतु के पश्चात जब वसंत ऋतु आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ना बारिश का कीचड़ है, ना मच्छरों की भरमार है, ना भयंकर ठंड है, ना तपाने वाली गर्मी है, मंद मंद बयार चल रही है, आकाश का मौसम भी साफ और स्वच्छ हो गया है। और वहीं ऐसा लग रहा है कि आनंद देने के लिए ऋतुओं को राजा ने पहले ही अपनी चतुरंगिणी सेना यानी वृक्षों पर फूलों का सजना, यानी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी चतुरंगिणी सेना को पहले ही भेज दिया है। और क्या कर दिया है कि जो कोयल रूपी बंदीजन उनकी प्रशंसा का गान कर रहे हैं, यानी कोयल या पक्षी कलरव करने लगे हैं, पक्षियों का कूकना या इस तरीके से कलरव करना वातावरण को प्रसन्नमय बना देता है। वहीं किसी को भी ना सर्दी अच्छी लगती है, ना गर्मी अच्छी लगती है, ना ही वर्षा, यानी वसंत ऋतु सबका प्रिय मौसम माना जाता है या सबकी पसंद ऋतु मानी जाती है। तो इस प्रकार वसंत ऋतु के स्वागत में पूरी धरती पर चारों ओर सुंदर वातावरण, सुंदर छवि, शोभा छा गई है। ऐसा लग रहा कि ये सारे सुखदाई समाज तो किसके लिए, एक राजा के लिए ही होते हैं, इसलिए वसंत ऋतु को ऋतु राज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रसंगों की सप्रसंग व्याख्या, जो कि मैं एक पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठते हो, जब हम जो पद्य की हम लोग व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या को आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए, ताकि आप में जो इतने समय से आप लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो लिखने का अच्छा खासा अभ्यास भी हो जाएगा, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में लिखने का अभ्यास जिसका अच्छा होता है, बोर्ड परीक्षा में वो सुंदर तरीके से और शांत शांत होकर जब वो उत्तर लिखता है तो उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। तो आप नोटबुक लेकर ही बैठिए, और जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट करके शब्दों का अर्थ आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जैसे आप तक तो साधन है और आप इसका लाभ उठा रहे हो, आप उन तक जरूर पहुंचाइए जिनके पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं है। आपकी एक छोटी सी पहल से उनको भी अच्छा खासा लाभ हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।